जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं पौष माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन रविवार व्रत की कथा। जब भी रविवार के दिन सप्तमी तिथि होती है तो उस दिन को भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव का पूजन करना, कथा श्रवण करना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पर साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य देव का जो भी पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य देव को जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें तो लाभकारी होता है। अर्घ देते समय ओम श्री सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जप करें या ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें या ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप मान भक्त्या ग्रहाणा अर्घ दिवाकर इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें तो लाभकारी होगा। जो भी रविवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। रविवार के व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सूर्यास्त से पहले एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर यह मौका ना मिल पाए तो अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद ही भगवान का पूजन करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही। तो आइए सुनते हैं भानु सप्तमी तिथि के दिन रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। उस समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्यों से पूर्ण था। भगवान श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई विघ्न था और ना ही कोई दुख था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन का एक अन्न भी ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान से कह सुनाया। भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देते हैं जिससे कि सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष भाव के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर वहां से उठाकर ले गई और उस गोबर सोने के गोबर की तरह ही अपना गाय का गोबर वहां पे रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी कोई खबर ना थी।
तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर शोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया और प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने में नहीं बन पा रहा था, तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि हे महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास एक ऐसा गौ है जो आप जैसा राजाओं के पास ही रहने योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के दूत वहां पर आए और गौ खोलकर वहां से ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने कुछ भी उसकी एक ना सुनी। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा उठा। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भली है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे इस गौ को प्रदान किया है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ और सम्मान सहित उसे गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सभी गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगर वासियों को और सभी को आदेश दिया कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रविवार को इस व्रत को करे। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं हो पा रहा था। सारी प्रजा बड़ी सुख से रहने लगी और भगवान सूर्य देव का सभी भजन कीर्तन और व्रत करने लगी। हे भगवान सूर्य देव, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया पर अपना कृपा किया, हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इसी प्रकार से सदैव अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी आपका व्रत करे, जो भी आपके व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान सूर्यदेव, उसके घर को सभी प्रकार से सुखों से पूर्ण रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्यदेव की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भानु सप्तमी का व्रत करते हैं, रविवार का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।